मछली को अच्छी तरह से धो लेना। उसके बाद आधी छोटी चम्मच आधी छोटी नमक सभी को मिला के अच्छी तरह से मछली को मिला के सान। सबसे पहले गैस को ऑन करके कढ़ाई को रख देना। कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसमें तेल डाल देना। तेल गर्म हो जाए तब एक एक करके मछली को डाल लेना। उसके बाद मिर्ची, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर, सरसों सभी मसाले को मिक्सी जार में मिला के पीस लेना। मछली अगर फ्राई हो जाए तो उसे एक प्लेट में निकाल लेना। हुए मसाले में एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर स्वाद अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटी चम्मच जीरा गुलकी पाउडर सभी मसाले को मैंने इसमें ले ली हूँ। मसाले डाल देना। मसाले को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेना। मसाले में आधी छोटी चम्मच मेथी पाउडर डाल देना। मसाले भून जाए तो इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल देना, जितनी आप ग्रेवी बनाना चाहते हो। अब इसमें बारीक कटी हुई धनिया डाल देना। ये मसाले से उबाल आना स्टार्ट हो गए। अब मैं इसमें गरम मसाले डाल दूंगी। अब मैं इसमें एक एक करके सारी मछलियाँ को डाल। ये देखिए हमारे गर्मा गर्म मछलियाँ देखने में लग रहे हैं ना अच्छे, और खाने में भी टेस्टी लगते हैं।